नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। राजस्थान की चिकित्सा विभाग के पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं। अभी भी इनका धरना जारी है। क्या जानकारी दोस्तों, देखते हैं इसमें। सीफू के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे भाजपा विधायक। राजस्थान पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मासिस्ट भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग नहीं दिए जाने के विरोध में जालाना स्थित स्वास्थ्य संस्थान सीफू के बाहर 7वें दिन भी अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। बुधवार को धरने को समर्थन देते भाजपा विधायक गोवर्धन वर्मा, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा पहुंचे। शर्मा ने कहा कि आपकी मांग जायज है, आपको दुख दर्द समझा जा सकता है, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि इसका समाधान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं चिकित्सा विभाग के, उनकी पदस्थापन सूची जारी करवाने के लिए अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं और काफ़ी विधायक और मंत्रियों ने भी इनको समर्थन किया है कि जो इनकी मांग है वो जायज़ है, क्योंकि इतने समय होने के बाद भी जो सरकार ने पदस्थापन सूची जारी नहीं की है, लगभग 20,000 पदों पर ये भर्तियां अटकी पड़ी है। एक जानकारी और है दोस्तों, आप देख सकते हैं नर्सेज के पदों पर भर्ती हुई देरी, नियुक्ति देने के लिए CS से मिले। आप देख सकते हैं ये आज की अपडेट है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की ओर से चिकित्सा विभाग की भर्तियों में देरी को लेकर पिछले एक सप्ताह से धरना दिया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीणा ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और जल्द नियुक्ति देने की मांग की। उन्होंने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन विभाग में 20,546 पद खाली पड़े हैं। इन पर नियुक्ति के लिए 18 जनवरी से एसोसिएशन की ओर से सीफू जालाना पर धरना दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो नर्सेज के पदों पर भर्ती हेतु जो CS से भी इसमें मुलाकात की, तो उन्होंने इस भर्ती को पूरी कराने के लिए मांग की है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो चिकित्सा विभाग की भर्ती है इसको पूरी कराने के लिए लगातार अभ्यर्थियों का प्रयास और विधायक भी इसमें जो इनका समर्थन कर रहे हैं, ताकि 20,546 पदों पर जो भर्ती है वो इसको पूरी कर सकें, क्योंकि ये इस भर्ती को कांग्रेस सरकार 2023 में निकाला गया था, लेकिन अभी तक भी इसकी जो पदस्थापन सूची जारी नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है, आज 7वां दिन है इनके धरने का। तो इस प्रकार से दोस्तों, चिकित्सा विभाग की जो भर्ती पूरी होने की पूरी संभावना इसमें लग रही है। पदस्थापन सूची जो आपकी है जल्द से जल्द इसमें जारी हो जाएगी। अगर इसी प्रकार से समर्थन रहा और धरना जारी रहा तो सरकार को अभ्यर्थियों की मांग मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस भर्ती में काफ़ी देरी हो चुकी है और 5 साल में एक बार इस भर्ती को निकाला जाता है। काफ़ी समय में एक बार ये भर्ती निकलती है, और जिसमें भी सरकार के द्वारा, पिछली सरकार और नई सरकार के बीच के मामले के हिसाब से जो अभ्यर्थी है उनकी पदस्थापन सूची में देरी हो रही है। तो दोस्तों, आपकी जो सूची है वो जल्द से जल्द जारी हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों, चिकित्सा विभाग को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए।